हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत है? ठंडक आ गई है और ठंडक के आने की वजह से क्या है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, सर्वाइकल अपना जोर दिखाए हुए है। तो चलिए फिर इन सब तकलीफ़ों से बचत के लिए बनाते हैं आज ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो देखिए उसमें हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको बना के खाइएगा। अगर जाड़े भर आपने रोज़ एक लड्डू खा लिया तो समझिए इन सारी दर्दों से आपको निजात मिल जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए ये है पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज, जिनके फ़ायदे आप जानते हैं कि कद्दू में सबसे ज़्यादा, सारी सब्जियों में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जो होती है वो कद्दू में होती है। और कद्दू के बीज तो बहुत ही फ़ायदे के हैं, जो घुटने के दर्द, घुटने का जो लस ख़त्म हो जाता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा सामान हमारे पास है ये देखिए, ये हमने गोला वाली नारियल ले लिया था और उसको क्रश कर लिया है। तीसरा इंग्रेडिएंट्स हमारे पास जो है वो है ये देखिए, ये सारे मग्स बीज जो हैं खरबूजे के बीज हैं। चौथा ये है बादाम है, इसको हमने एक टुकड़े, एक बादाम के चार पांच टुकड़े कर लिए हैं। और ये हमारे पास है काजू, इसके भी हमने चार पांच टुकड़े कर लिए हैं। और ये है हमारे पास किशमिश, इसको कुछ नहीं किया है, इसको यूँ ही रहने दिया है। और ये हमारे पास है लावा, इसको भी हम फ्राई करेंगे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स फ्राई करेंगे। और ये हमारे पास है 125 ग्राम खजूर, और 125 नहीं, ये है 200 ग्राम खजूर। और ये हमारे पास है अंजीर 125 ग्राम, जिसे हमने गुनगुने पानी में एक घंटा पहले भिगो दिया था, अब इसे पीसने में हमको बहुत आसानी होगी। अच्छा, एक चीज़ और कि इस लड्डू को शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें अंजीर और खजूर का यूज़ किया है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि घी लेकर के और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें फ्राई कर लेना है और एक तसले में इकट्ठे करते जाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। अब ये देखिए कि एक कढ़ाई हमने चढ़ा ली है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी और इसमें फ्राई करना शुरू करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को। तो घी हमारा मेल्ट हो जाए। अच्छा, खुशबू के लिए आप चाहिए इसमें गुलाब जल डाल लीजिए, आप चाहिए इलायची का पाउडर डाल लीजिए, ये आपके ऊपर है कि इसमें खुशबू के लिए आपको क्या ऐड करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने काजू को फ्राई करेंगे। जब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि नमी इसमें ज़्यादा होती है, तो इसको पहले फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा काजू हमारा हल्का सा फ्राई हुआ है थोड़ा सा, तो इसी के साथ हम डाल देंगे अपना बादाम, क्योंकि बादाम थोड़ा क्रंच है इसलिए बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब हम इसको वो कर लेंगे, इसी के साथ में फ्राई कर लेंगे और दोनों को एक साथ ही हम निकाल लेंगे फ्राई करके। अब ये देखिए इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो अब हम चूल्हे को स्लो करेंगे और इसको एक तसले में हम निकाल लेंगे। अब फिर इस कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी किशमिश, ये देखिए इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। स्लो आंच पे इसको एकदम फ्राई करेंगे, एकदम स्लो आंच पे, क्योंकि किशमिश है ना, ये या तो फूल जाएगी या फिर जल जाएगी, इसलिए बहुत स्लो आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारी रेसिपी को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया कीजिए। प्लीज़ हमको इंतज़ार रहता है आप लोग के कमेंट्स का, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। और आँच को हमने थोड़ा सा तेज़ कर लिया है, अब हमें क्या करना है,
मीडियम आँच है। और अब हमें क्या करना है, ये ड्राई, ये जो है लावा हमारा, इसको हम फ्राई कर लेंगे। और इस लावे को फ्राई करने के बाद अलग निकालेंगे, क्योंकि ठंडा करने पे इसे हमें क्रश करना है। इसको हम उन इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं मिलाएंगे अभी फ़िलहाल, जब तक हम इसको क्रश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बादाम, काजू और किशमिश एक तसले में करके रख लिया है, क्योंकि उसे हमें पीसना नहीं है, लेकिन इसको हमें पीसना है, इसलिए हम इसको अलग निकालेंगे फ्राई करके। अब ये देखिए कढ़ाई हमने खाली कर लिया है, तो अब हमें क्या करना होगा कि जो है हम जितनी अभी बीजे हैं सब इसमें डाल लेंगे। और इसमें हमें घी नहीं डालना, हमको इसको ऐसे ही रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा बस चटकाना है इसको। आँच हमारी बहुत स्लो है, इसमें घी नहीं डाला, हमको बस यूं ही रोस्ट कर लेना है इसे हल्का सा, यानी क्रिस्प कर लेना है हल्का सा। और इसको भी हम ड्राई फ्रूट्स में यूं ही मिला देंगे, इसे हमें पीसना भी नहीं, क्रश भी नहीं करना है, ऐसी पूरी बीज हम इसमें डाल देंगे। बस ये देखिए हमारा ये हो गया है, क्रिस्प हो गया है। बस अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपने दूसरी सीड, ये देखिए इसको डाल दिया हमने। इसको भी थोड़ी सी चटका लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमें भूनना नहीं है, इसको भी हम चटका ही लेंगे समझ लीजिए। ये खरबूजे की बीज है, ये भी बहुत फ़ायदा करती है हड्डियों के दर्द में। आप इसको प्लीज़ बनाएं और ट्राई करें कि देखें आपको कितना फ़ायदा होता है। अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये लड्डू बना दें, और जिनके मतलब जो दांत से भी परेशान हैं उनके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको इसे हल्का सा क्रश करके लड्डू बना लेना है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हल्का हल्का फ्राई करने के बाद क्रश कर लीजिए, ये बूढ़े लोगों के लिए हो जाएगा। लेकिन जिनके दांत हैं और उनके घुटने उठने में तकलीफ़ है, तो वो ये लड्डू बहुत खाएँ तो उनको बहुत आराम मिलेगा। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी नारियल को हल्का से, इससे भी हम फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का से इसको समझ लीजिए भून लेंगे, क्योंकि इसके अंदर खुद अपना तेल होता है, इसलिए हम इसमें हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, अच्छा नारियल जो है ऑप्शनल है, बहुत से लोगों को नारियल जो है हज़म नहीं होती है, तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें और अपने मनपसंद आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बीजे और खजूर और अंजीर डालना आपका बहुत ज़रूरी है। और यही सारी समझ लीजिए दवाएं हैं जो घुटने के दर्द, कमर के दर्द, सर्वाइकल, इन सब में फ़ायदा करती है। ड्राई फ्रूट्स तो समझ लीजिए कि जाड़े में यूँ भी यूज़ करना चाहिए, बस ऑप्शनल है। तो ये नारियल अगर किसी को नहीं सूट करती है, ये हज़म नहीं होती है, तो जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा आँच इसकी हम तेज़ कर लें ताकि ये जल्दी से रोस्ट हो जाए, टाइम ले रहा है काफ़ी। अच्छा आप देखिए हमारे ये रोस्ट करने वाला, फ्राई करने वाला जो है हिस्सा था वो ख़त्म होता है, ये सब रोस्ट हो गया, फ्राई हो गया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि आगे क्या करना है हमको। ऐसे देखने में लग रहा होगा कि बस सिर्फ रोस्ट ही तो करना है, करना क्या, लेकिन नहीं, इसमें बड़ी मेहनत है इस लड्डू में थोड़ी। इसको मेहनत के बाद जब खाइएगा तो ये सूट भी करेगा, तो मेहनत करिए और अपनी बीमारियों को दूर भगाइए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रेसिपी को शेयर कीजिए। शेयर करने से हो सकता है इस लड्डू से किसी और को भी फ़ायदा हो जाए, जिसको ज़रूरत हो उसे फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को आप लोग शेयर भी कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा। तो अब ये देखिए भुन चुकी है, अच्छी सी क्रिस्प हो गई। अब ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने कुछ फ्राई किए हैं, कुछ रोस्ट किए हैं, और सबको हमने इस तसले में इकट्ठा कर लिया है। अब आगे हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम अपने जार में, अब ये हम एक मिक्सर का जार ले रहे हैं,
और इसमें सबसे पहले हम ये डाल देंगे और इसको हम पल्स मोल्ड पे क्रश कर लाएंगे। ये देखिए इसको हमने क्रश कर लिया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, इसको दरदरा दरदरा कर लिया है। अब इसको भी हम अपने तसले में डाल देंगे सब एक साथ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो हमने अंजीर भिगोई है अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम डाल देंगे अपने मिक्सर में और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इसको भी, और ये जो खजूर हमने भिगोई थी इसको भी देखिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसके बीज निकाल के भिगो सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो हमने जो है बीज के इसको भिगो दिया है। लेकिन अब हम इसके पहले हम बीज अलग करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको इसमें डालेंगे और दोनों को एक साथ पीस के पेस्ट बना लेंगे। देखिए बहुत आसानी से इसकी बीज निकल रही है, इसको हम जो है बीज ऐसे, ये देखिए बीज से तोड़िए, ये देखिए बीज निकल गई बहुत आसानी से। ऐसे ही हम सारे खजूर की बीज निकाल लेंगे, ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पेस्ट, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, जितना पानी डालेंगे उतना ही ज़्यादा इसको हमको भूनना पड़ेगा, तो इसलिए कोशिश करें कि कम पानी डालें और पेस्ट इसका बना लें। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट भी नहीं बनाना है क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स में मिला के हमको लड्डू ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से सारे ही बीज के हम, तो ये देखिए गाइस हमने सारे बीज निकाल दिया है। अब हम इसमें यही खजूर वाला पानी जो है डालेंगे क्योंकि हमने खजूर और अंजीर दोनों चीज़ भिगो के हमने धो के भिगोई थी, इसलिए हम इसका पानी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसको पीस लेंगे। है इसको बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं है लेकिन इतना हो गया है कि हम उसमें मिला लें, इसका क्रश हो चुका है समझ लिए अच्छे से। और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी और भी डाला है, जितना भी हमारे पास खजूर वाला पानी था वो हम डालते रहे हैं इसको थोड़ा थोड़ा बीच में, और इसको हम पेस्ट बनाते रहे। तो चलिए फिर आगे करते हैं क्या, इसको हमें घी डालकर इसे भूनना है अच्छे से। देखिए हमने इस लड्डू में बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि खजूर भी मीठा होता है और अंजीर भी मीठी होती है, तो हमारे लड्डू में जितनी मिठास चाहिए उतना इनफ है दोनों को। 250 ग्राम खजूर है और 125 ग्राम हमारी अंजीर है, तो दोनों की मिठास जो है वो हमारे लड्डू के लिए एकदम इनफ है। ये हमने इसमें डाल दिया है घी। अब जब हमारा घी मेल्ट हो चुका है तो ये देखिए हमने 5 छोटी इलायची के बीज निकालनी है और इसको हम डाल देंगे, ये चटक जाएगा। अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे अपना ये पेस्ट। आंच हमारी एकदम स्लो रहेगी। इसको हम स्लो स्लो आँच पे बहुत अच्छे से भूनेंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ताकि हमारा लड्डू ख़राब ना हो। बाकी चीज़ें तो एकदम ड्राई हैं लेकिन बस इसी में थोड़ा सा पानी गया है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना पड़ेगा ताकि हमारी चीज़ें जो हैं ख़राब ना हो, हमारे लड्डू जो है वो ख़राब ना हो। ताकि ये इसका पानी जल्दी जल्दी जल जाए। इसको खजूर को पीसने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना पड़ता है। आप लोग को भी दिक्कत आएगी अगर पीसने में तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, और इसीलिए इसको पहले से भिगो दिया जाता है क्योंकि सूखी तो बिल्कुल भी नहीं पीस सकते हैं इस वजह से। वैसे हाथ से या किसी चीज़ से ऐसे क्रश कर सकते हैं लेकिन वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता है, किसी में मिक्स नहीं होता, इसलिए हमने पीसा है इसको और इसको गुनगुने पानी में हमने भिगोया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए आँच बहुत स्लो नहीं है हमारी, मीडियम हाई है, उसी पे हम भून रहे हैं।
जलना भी नहीं चाहिए, नॉन स्टिक कढ़ाई है इसलिए इंशाल्लाह जलेगा भी नहीं। और ये इसको हम डो टाइप का कर लेंगे, इतना तो हमको भूनना ही है कि इसका ये जो ये गीलापन है ये देखिए गाइस पानी इसका कम हो रहा है, ये लगभग हमको 10 मिनट हो चुका है भूनते हुए मीडियम आँच पर। ये देखिए ये डो जैसे शेप में आ रहा है, ये देखिए जो हमने घी डाला था वो देखिए इस पर ज़ाहिर होने लगा है, शाइन इस पर आ रही है। ये देखिए हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आते हैं, व्यूज़ के साथ साथ हमें एक लाइक भी चाहिए होता है। प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें हमारे चैनल को और हमारी रेसिपी को आप लोग लाइक किया करें। ये देखिए कितनी अच्छी शाइन आ रही है, हमको काफ़ी मेहनत लगती है एक रेसिपी को, पहले हम बहुत सर्च करते हैं, उसके फ़ायदे उसके नुकसान देखते हैं, उसको बना के देखते हैं कि आपको कैसे हम बताएं, फिर हम आप लोग के सामने इस रेसिपी को लाते हैं। तो इस तरह से हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक लाइक तो बनता ही है यार। ये देखिए गाइस अब ये मेरा डो बन के तैयार हो रहा है, हो गया है। अब हम चूल्हे को अपने बंद कर देंगे और इसको हम अपने ड्राई फ्रूट्स में मिला देंगे। चूल्हा अब बंद कर रहे हैं, अब हम इसको इसमें मिला देंगे। ये देखिए ये सब हमने इसमें मिला दिया है और इसको अभी हम ठंडा होने देते हैं। अभी इसके साथ हमें कुछ नहीं काम करना है, चुपचाप इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि ये छूने काबिल हो जाए, क्योंकि लड्डू तो हमें हाथ से ही बनाने हैं। तो फिर हम इसको ठंडा होने का थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको ऐसे फैला देंगे। तो ये देखिए गाइस ठंडा हो चुका है, अब हम इसको मिलाने का स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा गर्म है, गुनगुना है समझ लीजिए, हाथ चल जाएगा आराम से। देखिए हम बताना भूल गए, इसमें हमने इलायची पाउडर मिलाया है, हम आपको बताना भूल गए, वो आपके ऊपर है कि आप इसमें इलायची पाउडर मिलाना चाहें तो इलायची पाउडर मिला लें, और आप जो है इसमें गुलाब जल मिलाना चाहें तो जिस टाइम हम ये खजूर और अंजीर भून रहे थे उसी टाइम आप इसमें गुलाब जल मिला सकती हैं। और पाउडर जो है इलायची का वो तो आप इस टाइम भी अगर जैसे ये मिक्स करें इस टाइम भी मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, लेकिन गुलाब जल जब हम भूनते हैं उसी टाइम मिक्सचर भूनते हैं उसी टाइम हमको मिलाना रहता है खजूर में, क्योंकि पानी होता है ना तो खुशबू रह जाती है और पानी उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। तो बस ये देखिए हम मिला चुके हैं, इसका मिक्सचर तैयार है। अब इसको हम अपने जितना साइज़ हमको चाहिए उस हिसाब का हम लड्डू इसको बना लेंगे। और थोड़ा लड्डू बनाना हमको इसलिए मुश्किल लगता है कि ये इस तरह से बनता नहीं हमसे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। ये देखिए लड्डू हमारे तैयार हो रहे हैं। ये लीजिए गाइस मेरे ये देखिए ड्राई फ्रूट्स लड्डू तैयार है एकदम। अब आप इसको चाहे रेसिपी कह लीजिए, चाहे डिज़र्ट कह लीजिए, या दवा वाले लड्डू कह लीजिए, इसके खाने के बहुत बेनिफिट हैं, स्पेशली सर्वाइकल और जोड़ों की दर्द के लिए। तो आप इसे जाड़े भर खाएं और आराम उठाएं। अब इसको बनाने के बाद करना ये है कि एक ये देखिए मेरे पास एयर टाइट कंटेनर है, अब हम इसके अंदर इसको एक एक लड्डू रख देंगे, सारा स्टोर कर देंगे इसके अंदर। ये देखें आप इसको खाने के बाद भी खा सकते हैं एज ए डिज़र्ट। बहुत से लोगों की आदत होती है ना खाने के बाद थोड़ा कुछ मीठा खाने की, तो आप इसी को खाएं, शुगर ना खाएं, चीनी ना खाएं, चीनी की बनी हुई चीज़ें ना खाएं, इसको खाएं तो ये आपको फ़ायदा भी करेगा और आपका मीठा भी हो जाएगा। ये देखिए अपनी मम्मी को दादी के लिए नानी के लिए जैसे बनाना चाहें, अगर बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए हुए ड्राई फ्रूट्स आप पीस दें, दरदरा दरदरा पीस के तब उसका लड्डू बना दें, लेकिन ये है बहुत बेनिफिट वाले लड्डू, तो इनका नाम रख देते हैं बेनिफिट ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो आप इसको बनाइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए, ताकि कोई ज़रूरतमंद हो अगर और उसको इस लड्डू की ज़रूरत हो तो उसे मिल जाए।
और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, हम इतनी मेहनत करते हैं अपनी वीडियो पे, प्लीज़ आप लोग लाइक तो कर ही दिया कीजिए। तो ये देखिए, इसको ऐसे ढक देना है और इसको फ्रीज़र में रख देना है। गाइज़, हमारे लड्डू तैयार हैं। अब आप इस रेसिपी को बनाइए और हमें बताइए कि आप लोग की रेसिपी कैसे बनी है, कमेंट में हमें बता सकते हैं। आप लोग नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी देखनी है आप लोग ये भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी रेसिपी को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।